ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोगों ने हराया था रोआर को, और अब हम लोग आ चुके हैं फ्लोरामा टाउन में। और यहाँ पे हमें कुछ चोमू लोग मिले थे। आप सब जानते हो चोमू कौन है? यस, टीम गैलेक्टिक। और मैंने उन्हें हरा दिया क्योंकि मैं थोड़ा ऑफ स्क्रीन खेला था। मैंने सोचा आप लोग क्या करोगे चोमू लोगों को देख के। तो अब हम लोग आगे निकल रहे हैं अगली सिटी के लिए। आई थिंक इटरना सिटी जाना है। और ये क्या लग्जरी सीक्रेट पार्क? सिखा दो भाई, सिखा दो। ओके, वन टू एंड टड़ा, सीख गए भाई। इतना अच्छा लगता है जो स्पार्क अच्छा हटाएगा। सीरियसली अगर आप लोगों को मिले तो सिखाना। कैंपर जोश, आप हार गए। आप में जोश नहीं था ना, प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक घटिया सा पोकेमॉन मिला। भाई तुम आते क्यों? शैलोश। अब एक घटिया से पोकेमॉन से मैं लड़ता नहीं हूँ। और हाँ, एक और चीज बताना था, हाँ, कि मैंने सोचा कि सब लोग ब्यूजल यूज कर रहे हैं, सारे यूट्यूबर, तो मैं थोड़ा हटके करूंगा। तो मैंने पकड़ ली एक मैजिकअप। मुझे पता है यार टीम में अभी फालतू की स्पेस खाई, लेकिन 20 लेवल के बाद बहुत पावरफुल होने वाला है अपना गैराडोस या अपनी गैराडोस, मुझे पता नहीं इसका जेंडर। चलो इन दीदी से बात नहीं, मुझे नहीं करनी। अरे नीचे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, इनसे बात नहीं करूँगा मैं। चलो ये पोकेबॉल ले लेते हैं। यू फाउंड अ पोकेबॉल। अरे यार वैसे भी पोकेबॉल की बहुत कमी है ना। चलो अब आगे चलते हैं। और एक और हमें कैंपर भैया मिले। सच बता रहा अगर मेरे मैजिक आपको कुछ आता ना, इसकी पूरी टीम को पेल देता। और मुझे तुम लोग को एक और चीज़ बताना है कि मेरे मैजिक आपका नाम है फियर्स। अजीब सा नाम है ना, मैंने रख दिया यार, गलती से क्लिक कर देता हूँ जल्दी के चक्कर में। ओके, तो ये हमें इटरना फॉरेस्ट के बारे में लड़का हमें कुछ बता रहा था। हाँ आंटी जी, हम काफ़ी थके हुए हैं। और यार जापान के लोग कितने अच्छे हैं ना, अपने बेड में सुला दिया। वरना इंडिया में जाते, अंदर घुसते, पहले चप्पल अलग मारते, जूता अलग मारते, पुलिस को अलग फोन करते, हर साइड से अपने लगा देते और पूरी जिंदगी के लग जाते, एल है ना। ओके, यहाँ पे कुछ बेरीज थी तो मैंने सोचा ले ले। पेचा बेरीज, मैंने ज्यादा जानता नहीं यार बेरीज के बारे में, मतलब कौन बंदा बेरीज के नाम याद रखता और कौन सी क्या काम करते है, ठीक है। इतना पता है ओरेंज बेरी हेल्थ बढ़ाती है, उसका काम है और कोई काम, हाँ ठीक है, होती है काम की, ठीक है, मुझे नहीं पता यार। ओके, इटरना फॉरेस्ट में रांगे एक आंटी जी हैं, क्या ट्रेनर है? हेलो माय नेम इज चेरल। ओके अच्छा भैया, ओके ठीक है, आप आ जाइए हमारे साथ, मतलब हम चलेंगे यार आपके साथ। ओके परफेक्ट हेल्थ पे रखेगी, मान लो फेंट हो गए तो वापस वो हील कर देगी। वाजीवा बैटल के बाद। लेकिन भैया अच्छा ये बैटल नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं। एंटीडोट मिल गया यार, उसने एंटीडोट की बात की और हमें एंटीडोट मिल भी गया। क्या किस्मत है ना यार, किस्मत ऊपी बोलते। और ये इनका क्या नाम था, चैरल की चड्डी खोलते। हाँ मुझे सबको पता है मौसी ब्लॉक से क्या होता है, लीफ यॉर्न को इवॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक अभी के गेम्स में नहीं होता, लेकिन पुराने गेम्स में तो होता था, ठीक है। मैं पुराने ज़्यादा खेलता था क्योंकि पहले मेरे पास लो एंड डिवाइस था। हाँ मैं पहले भी फ़ोन में पायरेसी करके खेलता था। मैं कभी ऐसा बंदा था ही नहीं कि गेम खरीद सकूँ, वरना मम्मी पापा इतना कूटते किसी ने सोची ना होगी ही। अरे यार ज़्यादा ज़ोर से मार लिया, छाती में दर्द हो रहा है। ए जोगिंदर, तेरा जैसे इतने लोगों की छाती में दर्द होता है? ये एक जैसे शक्ल वाले नहीं, इनकी शक्ल अलग, ये तो दीदी है, वो भैया है, दीदी भैया, दीदी भैया का बैटल होगा। वो उन्हें भी हरा दिया, आबरा वाले चोमू थे। फाउंड अ ग्रेट बॉल, भाई मुझे पता रहता है कहाँ कहाँ पोके बॉल होगी, है ना भाई। मैं शेरलॉक होम्स हूँ, मतलब शेरलॉक होम्स का छोटा और गेमर वर्जन, ठीक है भाई। इनके गेम्स में शेरलॉक होम वाला दिमाग चाहिए होता है। और आके इन्हें भी हरा दिया भाई। कैसे ऐसे पैर रखोगे क्या यार, पैर मारते हो, शर्म नहीं आती यार धरती माँ पे इतना बोझ वैसे से है, और तुम लोग उन पर लाते मार रहे हो, शर्म नहीं आती। आई मीन हम भी चलते हैं, लेकिन भाई मैं दूसरों को फालतू बोलूंगा चाहे मैं खुद वो काम करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ हिप्पोक्रेटिक इंसान, है ना, सबको बनना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ। और ये भी एक जादूगर दीदी भैया है, भाई यहाँ पे जादूगर बहुत है। अरे यार मुझे एक चीज तो समझ नहीं आती, पहले एक दीदी बोलेंगे फिर दूसरे भैया बोलेंगे, दोनों एक साथ बोल दो क्या चला जाएगा। और यहाँ पे फिर एक पोकेमॉन मिल जाते हैं, भाई किस्मत बहुत घटिया है अपनी। मैं कभी कहता हूँ किस्मत अच्छी है, कभी कहता हूँ किस्मत घटिया है। किस्मत अच्छी मेरे वजह से, किस्मत घटिया गेम की वजह से। जारा फनी, अच्छा इसे पेड़ पे लगा देंगे तो मंचलक्स आसानी से आ जाते हैं। हाँ इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने किसी और बंदे का वीडियो देख के बता रहा हूँ। ओके ठीक है दीदी, आप अब हमारे साथ नहीं आओगी। मुझे रोना नहीं यार, मुझे खुशी हो रही है। रूट 205, चलो यार यहाँ पे। ओ भाई ये कोई रास्ता कनेक्टेड है, लेकिन बाद में जा सकेंगे जब कट मिलेगा। मुझे तो पता भी नहीं यार कट कब मिलेगा। ओ भाई इतने फिशर मैन है,
और यहाँ पे भी चलते हैं। बेरीज है भाई, बहुत बेरीज है यार। ये कौन सी बेरी है? ये पैचा बेरीज है, और बगल वाली आई थिंक ओरेन बेरीज है। ओके चलो अभी चलते हैं भाई, मुझे बेरीज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ओके, मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा था गाइस कि जार ऑफ हनी कैसे डालें, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो यार। अरे साइकिल्स की शॉप, अभी ज़रा देखते हैं। ओके बच्चे ने बोला कि मैनेजर साहब यहाँ पे है नहीं दीदी, तो आप जाइए प्लीज़। अच्छा कोई बात नहीं, हमने कहा चलो ठीक है छोटू, हम लोग चले जाते हैं। अरे एक सेकेंड, मेरे पोकेमोन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा थी, मीन फुल थी, तो मैंने क्यों करवाया? क्योंकि मैं चूलू हूँ, सबको पता है। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई दो पोकेमोन क्यों है। हाँ तो ठीक है, मुझे फियर्स की ट्रेनिंग करनी थी तो मैंने रख लिए। और हम लोग आ चुके हैं इटर्ना सिटी के जिम के अंदर। काफी अच्छा कट सीन दिया गेम वालों ने भाई। यहाँ पे छुपे थे, ऐसे रिडल्स दे रहे थे, रिडल्स कि भैया ये पार करो तभी तुम दूसरे ट्रेनर से लड़ पाओगे। ठीक है भाई, वहां पे होनी चाहिए गाड़ियां, लेकिन अभी दिख नहीं रही है दीदी। चलो कोई बात नहीं, बाद में आएंगी। और अभी ढूंढते हैं, मैंने रिडल पढ़ी नहीं, लेकिन आई थिंक सो इन वाले पेड़ जो अजीब से पेड़ है ना, इन्हीं के पास होती है। और मुझे दीदी आपके बाल दिख गए थे। ठीक है कोई बात नहीं, और अब आ गई गाड़ियां। ठीक है कटसीन कैसे अच्छा है, बादल दिखा दिए। यू कैप्ट मी वेटिंग, आई एम इटर्ना सिटी जिम लीडर, जिम लीडर। ओके ओके भाई, मैं भी ना इतने जल्दी क्लिक कर देता हूँ कि मैं पढ़ भी नहीं पाता, इसलिए आप लोग को डाउनलोड करना चाहिए डुओलिंगो। नहीं है कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं थोड़ा फनी वनी करने के लिए ऐसा कर देता हूँ। हमने निकाले चेयर भी, और हम निकालेंगे फियर्स, क्योंकि आगे रख के लेवल हो जाता है। और आप लोग को एक चीज़ बतानी थी कि हमारा इन्फर्नेप नहीं क्या है वो, अरे वो घटिया सा पोकेमोन होता है, एक चिमचार। हाँ चिमचार, द चिम पोकेमोन चिमचार अब इवॉल्व हो चुका है मॉनफर्नो में, और अब इसके पास इतनी पावर आ चुकी है, किसी ने सोची ना होगी। यार गला खराब हो गया। हाँ अब इसके पास इतनी पावर आ चुकी है, किसी ने सोची ना होगी। तुम लोग सोच रहे हो ये बार बार फियर्स क्यों निकाल रहा है भाई। वैसे अब मुझे पता चल गया कि एक्सपी शेयर होता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आगे रखने से ज़्यादा एक्सपी मिलेगी, इसलिए मैं हर पोकेमोन जब भी नया आता है ना मैं डाल देता हूँ यार फियर्स को। और ये 19 लेवल का हो गया है, मतलब समझ रहे हो ना जल्दी इवॉल्व होगा। और एक सेकेंड, ये रोजरेड निकाल रही है, और इसके पोकेमोन ज़्यादा लेवल के थे नहीं, फिर भी मुझे चेक करना है इसकी रोजरेड कितने लेवल के, क्योंकि भाई अपने फ्लोरा तो बन नहीं रही है, उनके रोजरेड आ रहे हैं। अबे 22 लेवल की रोजरेड, अबे रोजेलिया कब बनेगी भाई। मैं कल परसों गूगल पे सर्च करके चेक करूंगा यार ये क्या होता है हमारे साथ, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। इनका ग्रास नॉट, ओ भाई अच्छा अटैक था गाड़ी ना, लेकिन ना बहुत घटिया ट्रेनर थी। ठीक है नहीं आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पोकेमोन अच्छे थे, है ना, खुद की तारीफ कर ली इनडायरेक्टली, और उनकी बेइज्जती भी। फियर्स ग्रू टू लेवल 20, फ्लोरा ग्रू टू लेवल 21। खुशी भी और दुख भी, क्योंकि फ्लोरा तो, अरे भाई हमारे लिए तालियां बजाई, हमने 2000 पुके डॉलर दिए। व्हाट, फियर्स इज इवॉल्विंग, ओ भाई अभी भी तड़प तड़प के इवॉल्व हो रही है। भाग, गहरा डॉस बनने का तो आएगा मजा भी डू। ओके ओके ओ भाई, मैंने आज तक कभी गहरा डॉस से किसी गेम में नहीं खेला, रेड में तक नहीं खेला। हाँ पोकेमोन रेड में, तुम लोग क्या सोच रहे थे पता नहीं, वैसे तुम लोग भी रेड ही सोच रहे होगे। और बाइट सीख लिया, काफी अच्छी बात है। ओके अरे आप यार आप हार गए। ओके इनने हमें कौन सा बैच दिया जरा देख, फॉरेस्ट बैच। खुद के लिए तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि हमने इतने नूबड़े ट्रेनर को हरा दिया। नहीं 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 दीदी आप नूबड़ी नहीं हो। और इनने हमें दिए स्टिकर्स और TM86। सो गाइस होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म।